YouTube लाइव में आज हम बात करेंगे ये फिल्म संगीत और गीत पर जो हमने सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम बात करेंगे प्यार पर केंद्रित गानों की और खासतौर पर शैलेंद्र के गीतों के ऊपर। ये सच है कि प्यार एक बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट है फिल्मी गीतों का, और प्यार की इस प्रवृत्ति ने यानी इस तरह गानों ने एक बड़ा काम किया है। प्यार को तो पॉपुलर बनाया ही है, साथ साथ यह कि प्यार का उसने वस्तुकरण करने में भी मदद की है। वहीं दूसरी तरफ प्यार के जरिए उसने धर्म को भी रिप्लेस करने की या अपदस्थ करने की कोशिश की है। प्यार के गीत सिर्फ प्यार के गीत तक सीमित नहीं है, प्यार तक सीमित नहीं है, वे सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, ये भी है कि प्यार के गीतों में चिंता और हताशा भी अनेक बार व्यक्त हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की चीज यह है कि प्यार की जो भाषा है वो धार्मिक भाषा है, और धार्मिक रूपकों के जरिए प्यार अपने को व्यक्त करता रहा है। और कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो अमूमन जो फिल्मों में जो प्यार है वो एकाकी व्यक्तियों के बीच का प्यार है। समाज से विच्छिन्नता या पलायन या बहिष्कार या विद्रोह प्यार के केंद्र में है। और प्यार के गीतों की भाषा धार्मिक भाषा रही है, इसलिए वहाँ नए किस्म के खतरे भी उसने पैदा किए हैं, और धार्मिक भाषा के प्रति आकर्षण पैदा किया है। आज लग रहा है ना आपको धार्मिक भाषा, धार्मिक नारे, धार्मिक रूपक, धार्मिक स्थान, ये अचानक जनमाध्यमों में बिल्कुल विस्फोट की तरह दाखिल हुए हैं, सामाजिक जीवन में विस्फोट की तरह दाखिल हुए हैं। प्रेम के गाने गायब हो गए, अभी चर्चा के केंद्र में प्रेम के गाने नहीं हैं, बल्कि धार्मिक भाषा, धार्मिक नारे, धार्मिक प्रतीक और धार्मिक स्थान, वे चर्चा के केंद्र में हैं। और ये पृष्ठभूमि तैयार करने में फिल्मी गीतों की, खासतौर प्यार पर केंद्रित गीतों की जो धार्मिक भाषा थी और जिस तरह से उसमें धार्मिक रूपकों का इस्तेमाल किया गया था, उसकी बड़ी भूमिका है। तो प्यार के गीत तो जनप्रिय बने, प्यार के गीत बार बार सुनते हैं, लेकिन इससे पैदा क्या होता है? पैदा होता है अंध कठमुल्लापन, अंध समर्थन, या यो कह सकते हैं अंध आस्थावाद, जो कि अभी बिल्कुल विस्फोट की तरह दिखाई दे रहा है। शुरुआत हुई थी प्यार से, कन्वर्ट हुई किसमें? राजनीतिक अंध आस्थावाद में, जो कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो ये जो प्रेम पर जो लोग लिख रहे थे और प्रेम पर लिखे गीतों को लेकर जो लोग ये कह रहे थे कि प्रेम पर लिखे गीत सेकुलराइजेशन कर रहे हैं, वे ये चीज भूल गए कि प्रेम के गीत ऊपर जो प्रेम व्यक्त हो रहा था, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है
उसका जो ग्रामर है, उसकी जो भाषा है, वो धार्मिक भाषा थी। उसमें जिन रूपकों का इस्तेमाल किया गया वे धार्मिक रूपक थे। तो कालांतर में इसके गर्भ से निकला क्या? अंध आस्थावाद और कठमुंडापन, धार्मिक नारे, धार्मिक प्रतीक वे और ज्यादा सामाजिक जीवन में जनप्रिय बने और प्यार को इसने हाशिए पर डाल दिया। और सामान्य भाषा में कहें तो पहले होना ये चाहिए था कि प्यार के गीत जब गाए गए हैं और प्यार के गीत जब सुने जा रहे हैं तो लोगों में सहिष्णुता पैदा होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो प्यार के गीत सबसे ज्यादा सुनते रहे हैं उन्हीं वर्गों में सबसे ज्यादा असहिष्णुता पैदा हुई, क्योंकि हमने गीतों के अंदर जो निहित जो धार्मिक भाषा थी और धार्मिक रूपक था उसकी हमने अनदेखी की, उसके प्रभाव की अनदेखी की। हम तो ये मान के चल रहे थे कि वह किसी सेक्युलर लेखक के लिखे गए गाने हैं और ये किसी सेक्युलर संगीतकार के और सेक्युलर नायक के जरिए वो फिल्माए गए गाने हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट तो सेकुलर होगा। लेकिन वे भूल गए गीत में भाषा और इस्तेमाल किए गए रूपक वे बहुत प्रभावशाली होते हैं। और ये जो असहिष्णुता पैदा हुई, इस असहिष्णुता में एक और स्थिति थी कि ये किसी भी किस्म की जो बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इनमें किसी को भी वो चुनौती देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक खास तरह का कठमुल्लापन था। हाँ, ये है कि प्यार की प्रवृत्ति में प्यार ही सर्वस्व है, ये दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यक्त हुआ। इस प्रसंग में सबसे इंटरेस्टिंग है शैलेंद्र के गीतों का मूल्यांकन। शैलेंद्र के यहां, और ये जो मैंने अभी जो जिस बात का मैंने आपसे जिक्र किया कि वहां धार्मिक कठपुतलापन और धार्मिक रूपकों का इस्तेमाल किया गया, उस प्रसंग में मैं फिल्म चंडीदास में आगा हस्र कश्मीरी का गीत प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब संसार प्रेम का आंगन, प्रेम की छत और प्रेम के होंगे दुलार, प्रेम सजा हो, प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का सार, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राणाधार। इसी तरह आरसी बोराल का स्ट्रीट सिंगर फिल्म में लिखा गीत जीवन बीन मधुर ना बाजे, ये दो गीत खासतौर पर मैं जानबूझ के उदाहरण के तौर पर, क्योंकि कल एक श्रोता ने कहा था कि उदाहरण भी देके बताएं आप, वहीं दूसरी तरफ ये जो प्यार के गीत हैं ये उत्साह उमंग पैदा नहीं करते, बल्कि इनका जो अल्टीमेट इंपैक्ट है वो निराशा पैदा करता है। और ये गीत कैसे निराशावादी होते हैं, या फिर नमूना के तौर पर मैं एक गीत ले रहा हूं और वो गीत है किस्मत फिल्म से। किस्मत फिल्म में प्रदीप का एक गीत है, ए दुनिया बता हमने बिगाड़ा है तेरा क्या। उसी तरह मजरूप सुल्तानपुरी का शाहजहां फिल्म का गीत है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। ये जो प्यार का अल्टीमेट कन्वर्जन निराशा में, ये फिनोमेना भी देखा गया उस प्यार के पूरे फलसफे में। अब हम थोड़ा सा शैलेंद्र की तरफ लौटते हैं कि ये शैलेंद्र के जो गीत थे जिनके बारे में शैलेंद्र सब जानते हैं कि शैलेंद्र जो पॉलिटिकली पति रेडिकल मार्क्सिस्ट होल टाइमर, कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर, बहुत शानदार व्यक्ति, उनके यहां प्यार की एक तड़प है और
आजादी की तड़प के रूप में यह व्यक्त हुई है। और दूसरी चीज जो उनके गीतों में है वो है क्षण की अनुभूति का द्वंद्व। इसमें गतिशीलता भी है और ऊर्जा भी है और एक सुनहरे समाज का सपना भी है। इसमें सभी किस्म के दुखों से मुक्ति की इच्छा भी है। जहां प्यार पर भावुकता का वर्चस्व है यानी शैलेंद्र के गीतों में, यह दिशाहीन प्यार है और भयाक्रांत प्यार है। मधुमती फिल्म का गाना है सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गाना अगर ध्यान से आप पूरा सुने तो इसमें दिशाहीन प्यार के सारे संकेत अवेलेबल हैं। एक और दिलचस्प बात है कि शैलेंद्र के गीतों का जो नायक है वो गरीब है या दिशाहरा मध्यवर्ग है। यह लुटा हुआ, एकाकी, प्यार की भावना में डूबा ऐसा चरित्र है जिसे अभी तक प्यार नहीं मिला। यह ऐसा नायक है जो अपना बसेरा अभी तक नहीं बना पाया। आवारा फिल्म का गाना याद कीजिए आप, आवारा हूं आवारा हूं, या गर्दिश में हूं। आप इस गाने को सुनिए ध्यान से। यह ऐसा नायक है शैलेंद्र के यहां, वो खुद उनके शब्दों में, आबाद नहीं बर्बाद नहीं, इसके बावजूद खुशी के गीत गाने में मगन है। शैलेंद्र के गानों में एक और भी एलिमेंट है जो कि प्यार के गानों में खासतौर पर, यहां अपनी अवस्था के लिए वह दुनिया के तीर और तकदीर इन दो को दोषी मानते हैं और प्रेमी प्रेमिका के रूपक के जरिए यहां प्यार व्यक्त होता है। शैलेंद्र के यहां नायक जो है वो आम आदमी है जो कि प्रेमिका से मिलने के लिए तड़प रहा है। इस रूपक के माध्यम से अपने गीतों में शैलेंद्र ने पूंजीवादी समाज की अमानवीयता और संवेदनहीनता को बार बार उभारा है और नए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। दाग फिल्म का गाना याद कीजिए, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। शैलेंद्र हमेशा जब प्यार पर लिखते हैं तो वो एक नई दिशा खोजने की कोशिश करते हैं। मसलन जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने पर शैलेंद्र ने जो लिखा वो गाना बहुत बहुत ही शानदार है। उन्होंने लिखा, जमीन गैर हो गई, आसमां बदल गया, हवा के रुख बदल गए, हर एक फूल जल गया। ये पतिता फिल्म में एक और गाना है कि बना के जिंदगानी बिगाड़ने से क्या मिला। शैलेंद्र के यहां एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से गौर किया जाना चाहिए, उनके यहां श्रम है, श्रमिक है और समाजवाद है और उसकी महत्ता है, उसको उन्होंने खूब उभारा है अपने गीतों में।
उसके साथ ही ईमानदारी, सादगी, भोलेपन, इनको भी उभारा है। और एक कवि के नाते शैलेंद्र एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जिसमें न ब्लैक मुनाफाखोरी है, न पगड़ी है, न चोरी है, मेहनत का फल मीठा मीठा है, साथ ही लानत जो फोकट की खाए, लानत जो हराम की खाए, मेहनत का श्लोक ऊंच नीच कुछ समझ न पाए। ये जो बूट पॉलिश के ही एक अन्य गीत, ये बूट के ही अन्य गीत में वे कहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे क्या मांगते हैं, तेरे लाड़लों की दुआ मांगते हैं, यतीमों की दुनिया में हरदम अंधेरा, इधर भूल कर भी ना आया सवेरा। यानी शैलेंद्र अपने गीतों में वंचितों के आदर्श को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं, और वंचितों का आदर्श शैलेंद्र के उस जमाने में सोवियत संघ था, लेकिन आयरनी है कि जो नायक है वो दिशाहारा है लेकिन आजादी चाहता है। आप याद कीजिए चोरी चोरी फिल्म का गाना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आजादी की इच्छा, एकाकीपन, सामाजिक अलगाव के मार्ग से जो आदर्श नायक निकल रहा था उसमें सामूहिक संगठन और सामूहिक प्रतिरोध का अभाव था। उसके बाद जीवनानुभव तो थे, बल्कि ये कहें कि उसके पास अनुभवों का जखीरा था, भावुकता थी, नए सपने थे। वह ऐसे जगत का नायक है जिसे शैलेंद्र ने अंधे जहान और अंधा रास्ता कहा है। यह एकदम अकेला है, कहीं भी शांति का अनुभव नहीं करता, अंधे सफर से गुजरना उसकी नियति है। यह ऐसा नायक है जो आत्म केंद्रित संवेदनशील है, मौजूद दुनिया को बदलने या उससे टकराने की क्षमता से रहित है। इसकी आजादी का सपना टूट चुका है। ये वह जगह है जहां से अगर आप एक बार पलट के देखें तो शैलेंद्र एक अलग परंपरा का निर्माण करते हैं, और शैलेंद्र से इतर जो लेखक हैं जो प्यार पर गाने लिख रहे थे वो एक भिन्न परंपरा का निर्माण करते हैं, और जिसे हम लोग कहें कि एक अन्य चीज थी जिस पर के ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि प्रेम की संरचना पर जो गाने लिखे गए, जाहिर है कि केएल सहगल के बिना उस पर बात पूरी नहीं हो सकती। केएल सहगल ने जिस तरह के गाने गाए हैं, शरद चंद चटर्जी के उपन्यास पर जो फिल्म बनी थी देवदास 51 में, उसने एक पैटर्न सेट किया और उसने एक तरह से सिनेमा के क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए एक रास्ता सुझाया। इसके अलावा केएल सहगल और कानन देवी के गीतों की जोड़ी भी आई जो कि प्रेम के गीतों को लेकर आई। इसमें एक रोमांटिसिज्म भी है और पूर्व इंडस्ट्रियल सोसाइटी के संबंधों को रोमांटिसिज्म को के संबंधों को रोमांटिक नजरिए से नए ढंग से देखने की कोशिश भी है। इस जोड़ी की यानी कानन देवी और केएल सहगल की जोड़ी की जो प्रसिद्ध फिल्म थी वह थी स्ट्रीट सिंगर। इसमें आदर्श हैं, बच्चों की तरह सरल प्रेम है और उसकी अभिव्यक्ति है। और इस फिल्म में परिवार से संबंधित किसी भी किस्म के जीवन मूल्यों की उपस्थिति नजर नहीं आती। यहां कोई न शादी का जिक्र है न शादी का संदर्भ है। यह भी निश्चित नहीं है कि प्रेमी युगल को बनाए रखा जा सकता है या वे बिछोड़ जाएंगे। यह स्ट्रीट सिंगर एक तरह से
नए किस्म के सामाजिक बोध को निर्मित करने वाली और कम्युनिकेट करने वाली फिल्म थी। इस जोड़ी का प्रसिद्ध गाना था, जो आज भी है, बाबुल मुरा नैयर छूटो जाए। फिलहाल हम इतना ही रखें, फिर प्रेम पर बातें कल होंगी।